फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल ड्रेस बनाना बताती हूँ। इसमें मैंने पर्ल लगाए हैं और ये पर्ल मैंने ऊन के साथ ही अटैच किए हैं, इनको मैंने चिपकाया नहीं है। आज मैं आपको ये ड्रेस बनाना बताती हूँ। देखिए, मैंने चोली बना ली है। अब मैं यहाँ पर इसको साइड से स्टार्ट करूँगी। इसमें मैं ये कलर अटैच कर रही हूँ। इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं दो चैन करूँगी, एक दो। दो चैन करने के बाद मैं इसी होल में हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, इसीलिए मैंने ये दो चैन की है। दो बार, एक बार हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में दो बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह ये जो तीन हमारे पास फंदे हैं इनको एक साथ निकालना है, इसे हम डबल हाफ क्रोशिया कहते हैं। और नेक्स्ट में एक बार इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है, एक में एक बार और एक में दो बार हाफ डबल क्रोशिया। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं इसको सेकंड चैन में स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से, और अब मैं इस धागे को यहाँ से कट कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं रेड कलर का धागा अटैच करूँगी और रेड कलर के धागे में मैंने यहाँ पर मोती पिरो लिए हैं। इस तरह से यहाँ मैं एक नोट लगाऊंगी। नोट लगाने के बाद जहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया था वहाँ से मैं इसको जॉइन करूँगी। इस तरह से मैं धागे को अटैच करूँगी और एक बार नेक्स्ट होल में मैं एक बार स्लिप स्टिच करूँगी और इस धागे को मैं साथ में लेकर चलूँगी। अब मैं यहाँ पर पांच चैन करूँगी, एक दो तीन। तीन तो हमारी डबल क्रोशिया की हो गई और दो चैन, ये टोटल हमारी पांच चैन हो गई। और अब मैं एक चैन स्किप करके नेक्स्ट होल में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और फिर मैं दो चैन करूँगी, एक होल छोड़कर नेक्स्ट चैन में मैं डबल क्रोशिया करूंगी, फिर से मैं दो चैन करूंगी और एक होल छोड़कर नेक्स्ट में मैं डबल क्रोशिया करूंगी। इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करूंगी। देखिए, मैं वर्क के एंड में आ गई हूं और यहां पर मैं थर्ड चैन में यहां पर एक दो तीन, थर्ड चैन में यहां पर स्लिप स्टिच करूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैं दो चैन करूँगी। दो चैन करने के बाद ये नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करूंगी और फिर मैं अपने वर्क को इस तरह से टर्न करूंगी और यहाँ पर तीन चैन करूंगी, तीन। और यहाँ पर जो मैंने ये दो चैन की है यहाँ पर हमारा होल बन गया है, यहाँ पर मैं एक बार और डबल क्रोशिया कर लूंगी। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए और अब मैं यहाँ पर मोती पिरोऊंगी। अब यहाँ पर मैं स्टिच लेकर इस तरह से लूँगी और ये मोती को इस तरह से ले लूँगी और यहाँ पर डबल क्रोशिया करूँगी।
इस तरह से हमारा मोती पिरोया गया है। और अब यहाँ पर इसी होल में मैं दो बार और डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। दो मैंने एक 3 की चैन वाला, एक नेक्स्ट और एक में मोती पिरोया है, और दो मैंने फिर से की है। अब फिर से मैं अपने वर्क को इस तरह से टर्न करूँगी और यहाँ पर जो इसकी सीध वाला हमारा नीचे डबल क्रोशिया है उसमें मैं इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच। इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जो हमारा ये नेक्स्ट हमारा ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी। देखिए ये हमारा इस तरह से बनता चला जाएगा। और फिर मैं दोबारा से दो चैन करूँगी और नेक्स्ट होल में इसके ऊपर मैं इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करूँगी और फिर यहाँ 3 चैन करूँगी। 1, 2, 3। 3 चैन करने के बाद मैं इसको इस तरह से टर्न करूँगी और यहाँ पर इस दो की चैन में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। 2 डबल क्रोशिया हो गए और अब मुझे मोती अटैच करना है। तो मैं मोती को यहाँ पर लूँगी। पहले मैं यहाँ पर इस तरह से होल के अंदर डालूँगी और मोती को इस तरह से अटैच करूँगी। इस तरह से देखिए इस धागे को थोड़ा सा ढीला छोड़कर इस तरह से ये हमारा मोती आगे चला गया है। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 बार और डबल क्रोशिया करूँगी मैं इसी होल में। ये हमारे टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए और फिर से मैं इसको इस तरह से टर्न करूँगी और जो हमारा इसके ये नीचे सीध वाला डबल क्रोशिया है उसमें मैं इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद मैं इस तरह से जो हमारा ये नेक्स्ट इसके प्रॉपर वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से ये हमारा इस तरह से वर्क होता चला जाएगा। और फिर से दो चैन इसी तरह मैं इस दो चैन करने के बाद नेक्स्ट होल में फिर से स्लिप स्टिच करना है और फिर से 3 चैन करनी है। 3 चैन करने के बाद मैं वर्क को इस तरह से टर्न करूँगी और इस दो की चैन में मैं डबल क्रोशिया करूँगी और इसी तरह मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर से मैं धागे को कट कर दूंगी। देखिए हमारा सेकंड राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर मैं येलो कलर का धागा अटैच करूँगी। देखिए जो मैंने ये मैंने शुरू में यहाँ पर बनाया था उसके बैक साइड से मैं जो दो की चैन करके मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया था उसको ज्वाइन करूँगी और यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैंने इस येलो कलर के धागे में भी मोती पिरो लिए हैं और ये मोती आपको थोड़े ज़्यादा से रखने हैं और बाद में नहीं इनको हम
निकाल लेंगे एक्स्ट्रा को, और यहाँ से मैं इस तरह से इस धागे को अटैच करूँगी। इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं इस दो की चैन में मैं तीन बार डबल करो चार बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक तो हमारा ये तीन चैन वाला हो गया, दो तीन चार, चार बार डबल क्रोशिया करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यहाँ से हमें इस तरह से पता चल जाएगा ये दो की चैन है बैक साइड में, इसको उठाना है और इसमें चार बार डबल क्रोशिया करते जाना है। इस तरह नेक्स्ट चैन में भी मैं चार बार डबल क्रोशिया करूँगी। और जो ये धागा है उसको साथ लेकर जाना है, ये तीन चार, इसी तरह चार बार करने के बाद नेक्स्ट हमारी चैन दिखाई देगी। इस तरह से ये हमारी जो हमें चैन दिख रही है उसमें भी मैं चार बार डबल क्रोशिया करूँगी। इस तरह हर एक चैन में मैं चार चार बार डबल क्रोशिया करके इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मेरी रो कंप्लीट हो गई है, मैंने हर एक चैन में चार चार बार डबल क्रोशिया कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको थर्ड चैन में अटैच करूँगी स्लिप स्टिच के साथ, थर्ड चैन में अटैच कर लूँगी। और यहाँ पर मैं पांच चैन करूँगी, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन करने के बाद यहाँ पर मैं एक स्किप करूँगी और नेक्स्ट में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। ये पांच की तीन तो हमारे तीन की चैन का तो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और दो चैन बीच में है, और फिर मैं दोबारा से यहाँ पर दो चैन करूँगी जिस तरह हमने पहले किया है उसी तरह से रिपीट करते जाना है। एक स्किप करना है और फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन दो चैन और एक स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते जाना है। देखिए मैं अपने राउंड के एंड में पहुंच गई हूं और यहां पर मैं इसको थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करके फिर से हमें जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह से यहाँ दो चैन करनी है और इस नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से फिर हमें तीन चैन करके इसको इस तरह से टर्न करना है और जो हमने ये दो चैन की है उसमें मैं पांच बार डबल क्रोशिया करूँगी। दो हमारे पास हो गए, एक तीन की चैन का और एक मैंने किया है, और अब थर्ड में मैं इसमें मोती पिरूंगी। एक मोती लेना है और यहाँ से इस तरह से मोती को लेकर इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से फिर से इसी होल में दो बार और डबल क्रोशिया, ये हमारे टोटल फाइव डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये पांच बार डबल क्रोशिया करने के बाद इसको ऐसे टर्न करना है और यहाँ पर जो इसके सामने वाला डबल क्रोशिया है उसमें से इस तरह क्रोशिया हुक को निकालूंगी और यहाँ पर पांच बार डबल क्रोशिया करूँगी, एक दो तीन चार पाँच, पांच बार डबल क्रोशिया करने के बाद जो हमारा ये इसके सामने वाला डबल क्रोशिया है उसमें से मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच करना है और ये हमारा दोबारा से फिर वही करना है, दो चैन लेनी है और नेक्स्ट में हमें स्लिप स्टिच करना है।
इस तरह से। फिर तीन चैन लेकर इस तरह से टर्न करना है और उसमें वही रिपीट करते जाना है और इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर दो डबल क्रोशिया हो गए और थर्ड में मैं मोती पिरोना है। एक मोती को इस तरह से आगे करना है। इस तरह से इसको थोड़ा इस तरह से निकालना है। यहाँ पर तीन हो गए, फोर फाइव, पांच बार निकालने के बाद यहाँ पर मैं इसको टर्न करूँगी और यहाँ पर जो इसके सामने वाला है उसमें मैं पांच बार डबल क्रोशिया करूँगी और इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए अब मेरे ये दो राउंड कंप्लीट हो गए हैं और ये कुछ इस तरह से लग रहा है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब मुझे जहाँ पर मैंने इसको ख़त्म किया था उसकी बैक से जिस तरह हमने पहले से वो दो की चैन में से उठाए थे और मैंने ये वाला कलर अटैच करूँगी नेक्स्ट में और इसमें मैंने मोती पिरो लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको अटैच करूँगी। हमें सेम वही रिपीट करना है जिस तरह हमने पिछले राउंड में किया था। यहाँ पर तीन चैन करनी है। तीन चैन करने के बाद इसी चैन में दो की चैन है ये बैक साइड में, उसमें हमें तीन बार और डबल क्रोशिया करना है। ये हमारे टोटल चार डबल क्रोशिया हो जाएंगे और इसी तरह हर एक चैन में बैक साइड में जो हमें दो की चैन दिखाई देगी उसमें हमें चार चार बार डबल क्रोशिया करते जाना है। ये हमारे चार डबल क्रोशिया हो गए और अब ये नेक्स्ट चैन जो हमें दिखाई दे रही है दो की नेक्स्ट चैन, इसमें मैं चार बार डबल क्रोशिया करूंगी। एक दो तीन चार, चार बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर इस तरह से ये जो हमें नेक्स्ट दिखाई दे रही है इस तरह इसमें भी मैं इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करूंगी। मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और अभी इसको मैं यहाँ थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करूंगी। इस तरह से बैक साइड से देखिए कुछ इस तरह से मैंने हर एक दो की चैन में चार चार बार डबल क्रोशिया कर दिया है और अब मैं नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूंगी। उसके लिए मैं छः चैन करूंगी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन करने के बाद तीन हमारे डबल क्रोशिया के हो गए और तीन चैन मैं बीच में लूंगी। पहले मैंने दो राउंड में दो दो चैन ली थी, अब मैं तीन स्किप करूंगी बीच में से। पहले मैं एक स्किप करके नेक्स्ट में डालती थी, अब मैं तीन स्किप करके फोर्थ राउंड में डबल क्रोशिया करूंगी, एक दो तीन, फोर्थ में अब डबल क्रोशिया करूंगी। इस तरह से फिर से तीन चैन करनी है, तीन चैन करने के बाद एक दो तीन, फोर्थ में मैं डबल क्रोशिया करूंगी। तीन स्किप करके फोर्थ में हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर से तीन चैन करनी है, तीन चैन करने के बाद एक दो तीन, तीन स्किप करने हैं और फोर्थ में डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करूंगी। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं इसको तीन चैन थर्ड चैन में
स्लिप स्टिच करूंगी। इस तरह से थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैं तीन चैन करूंगी, क्योंकि हमने ये बीच में तीन की चैन ली हुई है, इसलिए तीन चैन करने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच करूंगी। इस तरह से, और फिर तीन चैन करने के बाद इसको इस तरह से टर्न करूंगी, और जिस तरह हमने पहले बनाया है उसी तरह से मैं यहाँ पर पांच बार वर्क करूंगी। इस तरह से ये एक हमारा तीन की चैन का हो गया, और एक नेक्स्ट दो, और थर्ड में मैं पर्ल अटैच करूंगी इस तरह से। सॉरी, ये तीन तीन निकाल कर, हमें तीन फंदे निकाल कर इस तरह से पर्ल को लेना है, और यहाँ पर इस तरह से करके इस तरह से निकालना है इस तरह से, और यहाँ पर दो बार फिर से डबल क्रोशिया करना है। ये हमारे टोटल पांच डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जिस तरह हमने पहले किया है नीचे उसी तरह से। पांच बार डबल क्रोशिया करने के बाद इस तरह से टर्न करना है, और यहाँ जो इसके सेंटर में डबल क्रोशिया है उसमें इस तरह से क्रोशिया हुक को डालूँगी, और उसमें पांच बार वर्क करूँगी। एक, दो, तीन, इनको हमें इस तरह से पीछे करते चले जाना है। तीन, चार, पांच, पांच डबल क्रोशिया करने के बाद इस तरह से जो ये हमारा इसके सेंटर में है, आगे सेंटर में है, उसमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। देखिए, ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। अब मैं फिर से तीन चैन करूंगी, तीन चैन करने के बाद नेक्स्ट में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद तीन चैन, और इस तरह से टर्न करना है, और फिर जो ये हमने तीन की चैन बनाई है उसमें दो बार डबल क्रोशिया हो गई हमारे, एक तीन की चैन वाला और एक ये। अब थर्ड में हमें पर्ल अटैच करना है। इस तरह से तीन फंदे लिए और पर्ल को ऐसे आगे लिया इस तरह से, और देखिए इस तरह से निकालना है, और इसी होल में दो डबल क्रोशिया और करने हैं। और फिर को इसको इस तरह से टर्न करके जो ये इसके सेंटर में है उसमें पांच बार डबल क्रोशिया करना है, और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया, ये हमारे फ्लावर बनते चले जाएंगे। जिस तरह ये नीचे फ्लावर बने हैं उसी तरह से मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है, और मेरी ये ड्रेस बनकर कंप्लीट कर हो गई है। मैंने ये बॉर्डर बनाया है। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।